Hi, my dear students. Welcome again. We will continue our lesson from tasting to digesting. So open the page number 26. Page number 26 में देखिए, यहाँ भी आपके लिए एक्सरसाइज है. हमने पेज नंबर 25 तक कंप्लीट किया था. फर्स्ट क्वेश्चन है, पुट इट इन योर माउथ, चीव 3 to 4 टाइम्स एंड स्लोइंग इट. पहले रोटी का टुकड़ा या कुछ चावल मुंह में डालो और 3-4 बार चबा चबा कर निगल जाओ. सेकंड क्वेश्चन है, डिड द टेस्ट चेंज एज यू, क्या चबाने से स्वाद में कुछ बदलाव आया आपको. फिर थर्ड है, हाउ टेक्स अनदर पीसेस ऑफ सम राइस एंड चीव इट 30 to 32 टाइम्स. अब यहाँ पे है, अब रोटी का टुकड़ा या कुछ चावल मुंह में डालना है और उसको 20 से लेके 25 बार चबाना है. फिर नेक्स्ट है, वाज देयर एनी चेंज इन द टेस्ट आफ्टर सो मेनी टाइम्स, क्या देर तक चबाने से स्वाद में कुछ बदलाव या फिर चेंजिंग आया आपको. तो आपको यहाँ पर कुछ भी खा के देखना है और आपको देखना, अगर आप धीरे धीरे चबा के खाते हो तो क्या पता चलता है, और अगर आप जल्दी जल्दी खाते हो तो क्या टेस्ट में कुछ पता चलता है आपको. घर पे आप एक रोटी लो और आप ट्राई करो. यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस में, हैज एनीवन एट होम टोल्ड यू टू ईट स्लोइंग एंड टू चीव विल सो दैट द फूड डाइजेस्ट प्रॉपरली. Why do you think they say this? तो घर में लोग तुम्हें कहते होंगे, खाना धीरे धीरे खाओ, ठीक से चबाओ, खाना अच्छे से पचेगा. सोचो वो ऐसा क्यों कहते हैं. आपने घर पे भी नोटिस किया होगा, आपके घर पे आपकी मम्मी या फिर आपके पापा आपको कहते होंगे, खाना धीरे धीरे चबा के खाओ. तो आपको सोचना है कि वो ऐसा क्यों कहते होंगे. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इमेजिंग यू आर ईटिंग समथिंग्स हार्ड लाइक ए ग्रीन गुआवा, व्हाट काइंड्स ऑफ चेंज टेक ए प्लेस इट फ्रॉम द टाइम यू बाइट ए पीस एंड पुट इन योर माउथ टू व्हेन यू. तो यहाँ पे है, जब तुम कोई सख्त चीज जैसे अमरूद गुआवा खाते हो तो उसे मुंह में डालने से लेकर उसको निगलने तक कौन कौन सी बदलाव आते हैं और कैसे. आपको सोचना है कि आप एक अगर गुआवा खा रहे हो तो आप उसको मुंह में लेते हो, फिर मुंह में वो आपको कैसे कैसे प्रोसेस कर रहा है, फिर वो आपके अंदर कैसे जाना है, तो वो आपको सोचकर लिखना है. फिर लास्ट क्वेश्चन है, थिंक व्हाट डज द सेलुला इन आवर माउथ डू, सोचो हमारे मुँह में लार क्या काम करती होगी. आपको सोचना है हमारे जो मुँह का सलेवा है उसको लार बोलते हैं हिंदी में, उसका काम क्या क्या है. आप कुछ खा कर ट्राई करोगे तो आपको पता चल जाएगा. नीचे पिक्चर देखो आप. तो यहाँ पे ये पिक्चर आप देखिए, इस पिक्चर को देखकर आपको नोटबुक में बनाना है, या फिर आप ऐसा करो, हाँ, अपने आपकी जो जीभ है उसकी आप पिक्चर बनाओ और आप देखो उस पर आप खाना कब रखते हो, पहले वो कहाँ पे रहता है, फिर उसके बाद वो कहाँ पे वर्क करता है, फिर वो कहाँ जाता है. तो आप अपने फेस का भी बना सकते हो. अगर आप ये पिक्चर बना सकते हो तो आप पिक्चर बनाओ और अपने नोटबुक में बनाओ और पता करो. तो पेज नंबर 26 में हो गया. अभी नेक्स्ट पेज करते हैं, पेज नंबर 27. तो 27 पेज नंबर ओपन कीजिए. पेज नंबर 27 में भी आपके लिए क्वेश्चन आंसर है. तो फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्टेम फ्रॉम द हार्ट, वेयर डू यू थिंक द फूड मस्ट बी गोइंग आफ्टर यू पुट इन योर माउथ एंड स्लो इट. इन द पिक्चर गिविंग हेयर, ड्रॉ द पाथ ऑफ द फूड थ्रू योर बॉडी, शेयर योर पिक्चर विथ योर फ्रेंड्स. Do all of you have similar picture? यहाँ पर है, दिल की बात, तुम्हें क्या लगता है शरीर में खाना कहाँ कहाँ जाता है. दिए गए पिक्चर में खाना जाने का रास्ता अपने मन से बनाना है.
अपने फ्रेंड का पिक्चर भी देखो, क्या तुम्हारा पिक्चर और साथी का पिक्चर एक जैसा है या अलग? तो यहाँ पे देखो आप एक पिक्चर है, इस पिक्चर में आपको इस बॉडी के अंदर आपको बनाना है कि आप जो मुंह में खाना डालते हो वो आपके कैसे कैसे वो अंदर जाता है। तो आपको एक पिक्चर बना के या तो आप अपने फ्रेंड का बनाओ या फिर इस बुक्स में का देख के पिक्चर बनाओ और आपको बताना है उसमें। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डिस्कस में। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाउ डू यू फील व्हेन यू आर वेरी हंग्री, हाउ वुड यू डिस्क्राइब इट। फॉर एग्जाम्पल, समटाइम्स वी योगली से आई एम सो हंग्री आई कुड ईट इन अ। तो यहाँ पर है, क्या तुमने किसी को कहते सुना है मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं? तुम्हें क्या लगता है भूख लगने पे सचमुच पेट में चूहे कूदते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाउ डू यू कम टू नाउ दैट यू आर हंग्री। तुम्हें कैसे पता चलता है कि तुम्हें भूख लगी है? आपको कैसे पता चलता है कि आपको भूख लगी है वो लिखनी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, थिंक व्हाट वुड हैपन इफ यू नॉट ईट एनीथिंग फॉर 2 डेज। सोचो अगर तुम दो दिन तक कुछ भी ना खाओ तो क्या होगा। इमेजिन करो कि आप अगर 2 दिन तक कुछ भी नहीं खाते हो तो क्या होगा। लास्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, वुड यू बी एबल टू मैनेज विदाउट ड्रिंकिंग वाटर फॉर 2 डेज। वेयर डू यू थिंक द वाटर दैट वी ड्रिंक। क्या तुम 2 दिन तक पानी के बिना रह सकते हो? सोचो जो पानी हम पीते हैं वह कहाँ जाता होगा। क्या तो आपको ट्राई कर देखना है कि आप जो पानी पीते हो वो आपके बॉडी में कहाँ जाता है, ऐसा आपको सोचना है और आपको फिर लिखनी है। केस नंबर 27, फिर नीचे फिगर देखिए। यहाँ पे देखिए एक पिक्चर है, यहाँ पे क्या है फर्स्ट पिक्चर में, भूख से तो मेरे सर में दर्द हो जाता है। ये गर्ल्स को जब भूख लगती है तो इसे क्या होता है, सर में दर्द हो जाता है। नेक्स्ट को देखिए, इसको क्या होता है, जब इसको भूख लगती है तो मुझे गुस्सा आता है, जब उसको भूख लगती है तो उसे क्या होता है, गुस्सा आता है। फिर थर्ड वाले में देखिए, इसको क्या प्रॉब्लम होती है, जब मेरी बहन को भूख लगती है तो वह रोती है। उसकी जब छोटी सी क्यूट सी बहन है, जब उसको भूख लगती है तो वो क्या करती है, रोती है। फिर यहाँ पे लास्ट पिक्चर में देखेंगे, इसको क्या है, जब मैं भूखा होता हूँ तो थका थका महसूस करता हूँ, जब वो भूखा होता है तो क्या करता है, थका थका सा फील करता है। फिर लास्ट में देखिए यहाँ पे, मुझे भूख लगती है तो मैं भी रोता हूँ। यहाँ पे लास्ट में, ये एनिमल्स को जब भूख लगता है तो ये भी रोता है। तो आपको भूख लगती है तो आप क्या करते हो वो आपको अपनी नोटबुक में लिखनी है। ओके, सो इस वाले पार्ट 2 में इतना ही है। तो आपको इस में क्या होमवर्क है आपकी, अंडरलाइन तो आपको टफ वर्ड्स करनी है, उसको नोटबुक में लिखनी भी है और डिक्शनरी से आपको वर्ड मीनिंग ढूंढ कर याद करनी है। ओके, और दूसरी होमवर्क है जो ये पिक्चर है, ये आपको बनानी है, बनाकर अपने खाना कहाँ कहाँ जाता है हमारे बॉडी में वो आपको बनानी है। ट्राई तो कर सकते हैं आप, इसलिए प्लीज़ आप ट्राई करना। अभी नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।